सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं फिर से एक बार पोकेमॉन यूनाइट खेलने वाला हूँ। एंड उसके अंदर भाई मैं आज फिर से रैंक गेम खेलूँगा। एंड लास्ट टाइम भी हम लोगों ने रैंक गेम ही खेला था, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो। एंड गाइस, मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि माइट बी कल आ जाए। एंड कल दिवाली है ऑफकोर्सली, कल के दिन शायद से अगर मैं डाल पाया तो मैं डाल दूंगा। एंड वो वीडियो होने वाली कि आप लोग इजीली रैंक पुश कैसे कर सकते हो। एंड गाइज, आज मैं टेलोन फ्लेम के साथ खेलने वाला हूँ। मैंने कल रात ही टेलोन फ्लेम बाय किया था। एंड गाइज, मैं रैंक मैच खेलने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। एंड मैं एक्सपर्ट क्लास 3 पे आ चुका हूँ। हालांकि भाई मैंने ग्रेनेंजा के साथ बहुत ट्राई किया था, लेकिन मेरे टीममेट्स इतने नूब आ रहे थे कि मेरे माइनस हो गया रैंक। एंड या मैं ग्रेड क्लास 4 से 3 पे आ गया हूँ। एंड इससे पहले कि कोई और टेलोन फ्लेम ले, भाई मैं ले लेता हूँ। एंड गाइज, मैंने टेलोन फ्लेम के साथ सिर्फ 2 ही मैचेस खेले अब तक, वो भी स्टैंडर्ड में। एंड मुझको जो जो कि मतलब बेल्ट ज़्यादा बढ़िया लगा वो था ब्रेव बर्ड एंड एरियल, इसका तो मैं आज वही यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट मैच में मिलूंगा। सो गाइज, यहाँ पे आप हमारी टीम देख सकते हो। एंड हमारी टीम लिटरली ओपोनेंट की टीम से कई गुना ज़्यादा बेटर, क्योंकि हमारे पास है ब्लास्टोइस। एंड ब्लास्टोइस काफ़ी ओपी है, अगर हमारा ब्लास्टोइस अच्छे से खेलते तो भाई ये मैच ऑफकोर्सली हमारे हाथ में है, जस्ट बिकॉज भाई ब्लास्टोइस नेक्स्ट लेवल पोकेमोन है। एंड गाइज, हमारे पास ज़ेरोआरा, लुकारियो एंड सिंड्रेस भी है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमको। सो अभी देखना है कि क्या होगा। एंड यहाँ गाइज, ओपोनेंट के पास ग्रेनिंजा भी है एंड ज़ेरोआरा, लुकारियो, सिंड्रेस तो है ही है उनके पास। तो मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं जाने वाला हूँ ऊपर की तरफ को। एंड मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक्रोबैटिक्स, क्योंकि वो ज़्यादा बैट ओके, यहाँ पे सब लोग ऊपर ही आ रहे हैं भाई। एंड यहाँ पे मेरे को नहीं मिल पाया भाई, मेरे को जंगल फार्म करना पड़ेगा। तो भाई जल्दी जल्दी लिलीपप को ले लेता हूँ। एंड भाई मैंने तो सोचा था कि मैं ऊपर की ओर जाऊँगा, लेकिन जंगल फार्म करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, इस जंगल फार्म में मैं ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो जाऊँगा। एंड मेरे को पूरा पूरा भरोसा मेरे टीममेट्स पे कि ये लोग मेरा जंगल खराब ज़रूर करने आएंगे। एंड ऐसा ना हो कि आपके टीममेट्स आपका जंगल खराब ना करें, तो भाई क्या ही हो बात है, उस दिन तो आपका लकी चमक जाएगा। एंड मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई तो ज़रूर रहेगा जंगल बर्बाद करने, ये लास्ट बचा पोकेमॉन मेरे जंगल का। एंड तब मैं ओके गाइस, मेरे को जल्दी जल्दी इसको लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे मेरे लुकारियो को मेरी ज़रूरत है। एंड मैं आ चुका हूँ लुकारियो, नहीं आया हूँ। एंड हमारा लुकारियो इतना नोब था कि भाई वो उधर से भाग गया और उनको गोल करने दिया। भाई मेरे को ऐसे टीममेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एंड अभी देखना गाइस, ओए बच गया, कोई बात नहीं। ओह शिट, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तो इसी की बारी खा के हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। एंड ये एरियल इज गाइस, मेरे को सबसे पहले टेलोन फ्लेम में बदलना है ताकि मेरे को मिल जाए ब्रेव बर्ड। एंड यहाँ पे एक भी बैरियर नहीं है। एंड भाई हमारा वो, जल्दी जल्दी इनों को फार्म कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये बीज को फार्म करना बहुत ज़रूरी होता है लिटरली भाई, अगर आप लोगों ने इन बीज को फार्म नहीं। एंड गाइस, मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों ही तो आ गया बेफालतू में, भाई मेरा एक्रोबैटिक्स उनों को जगह लग गया गलती से। एंड मुझे पूरा पूरा यकीन है कि यहाँ पे भाई मैं बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो सकता हूँ अगर मैं अच्छे से फार्म करूँगा। एंड मैं फिर से जंगल में जा रहा हूँ। एंड किसी ने मेरे जंगल पर कर दिया लूडी कोलो को लेके। भाई कैसे टीममेट्स है भाई, पूरा जंगल ही नहीं लेते, अगर लेते हैं तो आधा ही लेते हैं भाई, ऐसे टीममेट्स क्यों मिलते हैं गाइस। चलो कोई बात नहीं, लूडी कोलो नहीं तो अकेला बफेलो थी सही। एंड मेरे पास यहाँ पे 30 पॉइंट्स पूरे पूरे। एंड मैं तब भी गोल नहीं कर रहा हूँ। एंड फाइनली ब्रेव बर्ड आ चुका है भाई, किधर है वो, ये रहा ना। एंड ये ले पकड़। एंड गाइज, यहाँ पे इनों का सिंड्रेस, ये एक पोकेमॉन जा चुका है। एंड अभी मेरे को पूरा पूरा यकीन है कि ये मेरे मुझको मार देगा, बट नॉट दैट इजीली। भाई मेरा लुकारियो भी है मेरे साथ। एंड गाइज, मेरे को पूरा भरोसा था कि मैं इसे मार दूंगा। एंड मेरे लुकारियो ने पता नहीं क्यों ही, बट हाँ उसने अपना क्लोज कॉम्बैट वेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया है 30 का गोल, एकदम खतरनाक। एंड यहाँ पे मैंने ब्रेव बर्ड यूज करके निकल लिया हूँ मैं उधर से, मेरी एचपी बहुत लो थी यार। एंड यहाँ पे दोनों के दोनों बेरीज खा के अभी मैं सिंड्रेस को देखता हूँ। जब एंड रेडनो भी नीचे आ चुका है गाइस, मैं एंड रेडनो लेने जाऊँ या ना जाऊँ, देखना ये है कि मैं चोरी करूँगा या फिर लूँगा। एंड यहाँ पे स्कोप ग्रेडेंट आ चुका है और साथ में यहाँ पे कोई और भी है। एंड शिट,
लुकारियो ने मेरे को देख लिया भाई, मैंने क्या किया। एंड गाइस लुकारियो भाई, मेरा लुकारियो क्या कर रहा है यार। उन्होंने गाइस नीचे ड्रेडनो को भी ले लिया है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरा लुकारियो एकदम नूब है भाई, उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही वो उसको चुराने जा रहा है, ना ही कुछ और कर रहा है। एंड अभी भाई ओपोनेंट एक काफ़ी अच्छी खासी लीड में, एंड मेरा लुकारियो अभी दिखना गाइस उधर से भाग जाएगा, एक नंबर का भाई, क्या ही तो बोलूँ। एंड भाई एज यूजुअल मैंने अपना ब्रेव गॉड वेस्ट कर दिया। ओए रुको यार, ये लोग भाई बहुत गंदा मार रहे हैं गाइज, जो भी बोलो। एंड ये लोग पकड़ो, ओ माय गॉड गाइज, मैं लिटरली 1 HP पे हूँ। एंड यहाँ पे सीरियसली गाइज मैं बहुत लो हूँ। ओके भाई, अगर मेरा यहाँ पे ब्रेव बर्ड लग जाता तो मैं तीनों को ख़त्म कर देता। एंड यहाँ पे हमारे ये वाला गोल जोन डिस्ट्रॉय कर दिया ओपोनेंट ने, जिससे कि पता चलता है कि भाई मेरे टीममेट्स ने लिटरली किसी काम का नहीं है भाई हमारा ये लुकारियो, एक नंबर का नूबड़ा है भाई ये। देखो अभी मेरा जंगल भी खराब करने आ गया, भाग जा भाई तू यहाँ से भाग जा। ये जो भी पोकेमोन है ना यहाँ पे, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। एंड लुकारियो तू तो गया बेटे, तुझको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और कोई तुझे छोड़ दे बट मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड यहाँ पे उसका बोन रश लगा हुआ है। शिट गाइस यहाँ पे, ओके ओके ओ भाई उसने मेरे को भागने नहीं दिया। एंड यहाँ पे भाई ग्रीडेंट लिटरली यूनाइट मूव के बाद, ओ वो पाव भाई इतना खतरनाक हो जाता है, ऐसे कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि तब भाई वो अपने बेल्ट को जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं। एंड ऊपर जीरो और गोल कर रहे हैं, एंड उसने हमारा गोल जोन डिस्ट्रॉय भी कर दिया यार। शिट, बट तू ही थी ना वो बंदा, ये ले पकड़। एंड गाइस यहाँ पे मैंने इसको भी खत्म कर दिया। एंड फाइनली हमारे पास ब्लास्टर्स आ चुका है। एंड यहाँ पे ये जो कि ये भाग रहे हैं, क्योंकि उसके पास 30 पॉइंट्स हैं। एंड गाइस कुछ भी करके हमको इसको मारना पड़ेगा। एंड ये ले भाई, क्या ही तो खतरनाक वाला, हम लोगों ने इसको धोया। शिट यहाँ पे ग्रीडेंट आ चुका है। एंड गाइस मैंने अपना यूनाइट मूव यूज़ करा, एंड यहाँ पे ग्रीडेंट को मारने की पूरी पूरी ट्राई की, बट ऐसा नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल से यार। ग्रीडेंट मर जा भाई, मर जाएगा गाइस ग्रीडेंट इजी, इजीली तो नहीं। एंड मैं तेरे को भागने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा यार। ओके इससे पहले कि कोई और है, मैं जल्दी जल्दी गोल कर देता हूँ। ओ भाई गोल हो गया फाइनली गाइस। एंड एज यूजल मैंने फिर से अपना ब्रेव बर्ड वेस्ट कर दिया। एंड इसका बेल्ट मैंने गलती से ले लिया अपने ऊपर। एंड ये भाई लिटरली ब्रेव बर्ड से बचना बहुत ईजी होता है। एंड गाइस मैंने यहाँ पे इजेक्ट बटन यूज़ करा था कि मैं बच जाऊँ। एंड ओके मेरा ब्रेव बर्ड अगेन मिस, चलो कोई बात नहीं गाइस। अभी मेरा मेन मोटिव है कि मैं ऊपर जाऊँ, मेरे ख्याल से ऊपर जाना भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई रोटोम को कोई नहीं ले रहा है, रोटोम को मुझे ही लेना पड़ेगा। एंड या ओपोनेंट ने रोटोम ले भी लिया है। एंड आओ भाई ये लो, ओ शिट उसने भाई यूनाइटेड चलाया। एंड मैं बहुत लो हो चुका हूँ गाइस अभी भाई, यहाँ पर एक बहुत ही गलत काम किया मैंने इस रोटोम से भिड़ के, क्योंकि उसने मेरे को बहुत लो कर दिया। एंड मैं डायरेक्ट बेस पे जाऊँगा, क्योंकि नीचे गाइस मेरी बहुत ज़रूरत है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। नीचे जाऊँ क्या, ऊपर ही चलते हैं। चलो जेरा ओरा के साथ आ जा भाई, जेरा ओरा उनका गोल जोन डिस्ट्रॉय करने चले। एंड गाइस उधर देखो भाई, मेरे टीममेट्स एक नंबर के नूब थे, उन्होंने गोल करने दिया उनको। शिट यार। एंड भाई अगर मेरे साथ यहाँ पे जेरा ओरा आता तो हम लोग इनका ये वाला गोल जोन डिस्ट्रॉय कर देते। एंड मैंने अभी अभी कुछ तो देखा यार कि ओपोनेंट के ग्रेनिंजा के पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। एंड भाई मेरे को मेरे लुकारियों पे गर्व है कि उसने उसको मार दिया, अदरवाइज तो हमारा लुकारियों कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड पीछे 20 आ चुके हैं गाइस, 20 को लेता हूँ। ये गई 20, खत्म नहीं हुई भाई। भाई कितनी बार, ओके आ जा भाई, नहीं। एंड ये ले पकड़ भाई, ब्रेव बर्ड ओपी है यार लिटरली, ये खतरनाक मूव है जो भी बोलो। एंड गाइज मेरे ख्याल से मेरे को ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत फार्म का, ये क्या था भाई, मैं लिटरली डायरेक्ट ऊनो के फार्म में जंप कर गया। गाइज मेरे को सबसे पहले बेस में जाना पड़ेगा, हील करके आना पड़ेगा खुद को थोड़ा सा। एंड गाइज अभी भाई मेरे को सबसे पहले ना कि उन्होंने जैप्डोस को ले भी लिया है,
भाई टेलोन प्लेन को अगर किसी ने नहीं देखा तो ये इजीली चोरी कर सकता है। एंड ये बंदा बेफालतू में तो चला गया, मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा चोरी कर लेगा। एंड ये भी लो भाई, अभी गाइस वक्त आ चुके है कि इसको मैं ले लूं। एंड ग्रीडेंट भैया जी, आपको क्या सच में लगता है कि मैं इतना भी पागल हूँ कि मैं इसको ये ले लेने दूंगा? ना मुन्ना ना, सबसे पहले तो गाइस इसे मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। एंड ये ले और ये भी ले भाई। ओके यहाँ पे गाइस फिर से आ चुका है इनका एक बंदा। यार भाई कोई भी नहीं आ रहा मेरे साथ, शिट यार, इसको अकेले को ही देखना पड़ेगा मुझे। नहीं गाइस, इसको नहीं देख पाऊंगा अकेला। एंड या गाइस, मेरा जीरा हो रहा क्या कर रहा है भाई, उसको मारना। एंड गाइस हमारा जीरा हो रहा एक नंबर का नूब है भाई लिटरली। ओ भाई फाइनली उसको मारा तो सही उसने। एंड भाई लुका रही, उसको मार यार। गाइस मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर जीत भी पाएंगे क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है भाई। हमारा सिंड्रेस क्या कर सकते तू, 50 का गोल्ड डाल सकते तू तो डालना। एंड गाइस हमारा ब्लास्ट वाइज भी एकदम घटिया है। एंड मुझे जल्दी जल्दी गाइस जाना पड़ेगा। एंड मेरे भाई सिंड्रेस, सिंड्रेस को गाइस, ओ शिट, ओ नो। एंड इन्हीं दोनों को गाइस मुझे यहाँ पे खत्म करना है। एंड ये लो भाई, स्कैम कर दिया यहाँ पर मेरे साथ किसी ने तो। एंड गाइस सिंड्रेस की तो मैंने कहानी खत्म कर दी है। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रीन निंजा भैया, ग्रीन निंजा वाले भैया, उनों की भी कहानी खत्म हो चुकी है। बट यहाँ पे हम लोग हार चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस ये बैटल बहुत क्लोज थी। एंड बाय गॉड सीरियसली भाई, हम लोग सिर्फ एक पॉइंट से हारे यार, शिट भाई। भाई मेरा ब्लास्ट वाइज एक नंबर का नूब था यार, उसके जहाँ पे सबसे ज्यादा गोल होने चाहिए थे उसके सबसे कम थे, शिट यार। गाइस बोल रहे ये वाला मैच बहुत ही ज्यादा क्लोज था बट हम लोग हार गए। सो कोई बात नहीं गाइस, बट या आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।